नमस्कार प्यारे विद्वान साथियों, BSP के इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं महेंद्र चौधरी आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना जो टॉपिक था वो राजस्थान की कला और संस्कृति चल रही थी और जिसके अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे लोक देवताओं के बारे में। तो पिछली क्लास में अपन ने तेजा जी के बारे में पढ़ा था, अब अपन अपने अगले लोक देवता के बारे में पढ़ेंगे जिनका नाम है, बताओ क्या, कल्लाजी राठौड़। तो बताओ ये है कौन, कल्लाजी राठौड़। अब देखो, कल्लाजी को देखकर ही पता लग रहा होगा कि कल्लाजी राठौड़ को किसका अवतार माना जाता है। तो इन्हें किनका अवतार माना जाता है, शेष नाग का। किसके ऊपर बैठे हुए हैं, नाग के ऊपर। तो इन्हें किनका अवतार माना जाता है, शेष नाग का अवतार माना जाता है। सबसे पहले अपन कल्लाजी राठौड़ की बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, फिर ये देखेंगे किस प्रकार से कल्लाजी जो राठौड़ है इनको चार हाथ वाले लोक देवता, दो सिर वाले लोक देवता, अफीम व केसर का स्वामी क्यों और कैसे कहा जाता है। तो सबसे पहले अपन कल्लाजी के बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में देखते हैं कि कल्लाजी का जन्म कहाँ हुआ। तो कल्लाजी का जो जन्म है वो हुआ सामियाना गांव, और ये सामियाना गांव जो है वो पड़ता है, बताओ कहाँ, मेड़ता सिटी नागौर में। यहाँ कल्लाजी राठौड़ का क्या हुआ था, जन्म हुआ था। अगर अपन बात करें जन्म कब हुआ, तो विक्रम संवत 1601 में, और सन की बात करूँ तो 1544 में। कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम क्या है, तो कल्लाजी राठौड़ के पिता का नाम आशकरण है, और अपन से पूछे कि कल्लाजी राठौड़ की माता का नाम क्या है, तो श्वेत कंवर, यानी माता है बताओ कौन, श्वेत कंवर है। और कल्लाजी राठौड़ की अगर अपन बात करें तो कल्लाजी राठौड़ जो है इनकी जाति क्या है, तो जाति राजपूत है, और गोत्र बताओ क्या है, राठौड़ है। कल्लाजी राठौड़ के अपन गुरु की बात करें तो कल्लाजी राठौड़ के जो गुरु है उनका नाम है योगी भैरवनाथ। क्या नाम है, योगी भैरवनाथ। और कल्लाजी राठौड़ की जो छतरी बनी हुई है वो कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। मीराबाई जो थी वो बताओ कल्लाजी राठौड़ की क्या थी, बुआ थी। आगे देखते हैं, कल्लाजी राठौड़ जो है इनकी सवारी, सवारी क्या है, तो कल्लाजी राठौड़ की सवारी का नाम, यानी सवारी घोड़ा है, और उस घोड़े का नाम बताओ क्या है, फूला है। कल्लाजी को किनका अवतार माना जाता है, तो मैंने अभी आपको बताया कि कल्लाजी राठौड़ है, इन्हें बताओ किनका अवतार माना जाता है, तो शेष नाग का अवतार माना जाता है किनको, कल्लाजी राठौड़ को। और उपनाम की अगर मैं बात करूं तो कल्लाजी राठौड़ जो है इनके उपनाम कौन कौन से हैं, तो एक तो इन्हें कहा जाता है चार हाथ वाले लोक देवता, और दो सिर वाले लोक देवता, और अफीम व केसर का स्वामी, ठीक। और इनको कर्णध्वज, कर्णध्वज क्यों कहते हैं, क्योंकि भूत प्रेतों के निवारण करने वाले हैं, उनके निवारक देवता हैं, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है, यानी कर्णध्वज कहा जाता है। और भील जाति के जो लोग हैं वो कल्लाजी राठौड़ के मंदिर में सबसे ज़्यादा अफीम व केसर चढ़ाते हैं, इसलिए बताओ इन्हें क्या कहा जाता है, अफीम व केसर का स्वामी कहा जाता है। और कल्लाजी राठौड़ जो है इन्हें वागड़ क्षेत्र के क्या कहा जाता है, प्रमुख लोक देवता कहा जाता है। ये कल्लाजी राठौड़ के बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन था। अब हमने ये देख लिया कि कल्लाजी राठौड़ को कर्णध्वज तो भाई इसलिए कहते हैं कि भूत प्रेतों के निवारक देवता हैं, अफीम व केसर के स्वामी इसलिए कहा जाता है कि भील जनजाति के लोग इनके मंदिर में अफीम व केसर चढ़ाते हैं। कल्लाजी राठौड़ को चार हाथ वाले लोक देवता के नाम से क्यों जाना जाता है, दो हाथ वाले लोक देवता के नाम से क्यों जाना जाता है, इसके पीछे की क्या कहानी है, तो देखते हैं अपन। तो देखो, उस समय चित्तौड़ के शासक थे बताओ कौन, उदय सिंह। और उदय सिंह जो है इनका शासनकाल कब से कब तक रहा, तो 1537 से लेकर 1572 तक। और इधर इनके समकालीन शासक थे कौन, अकबर। अकबर के पास एक नीति थी, और अकबर की नीति का नाम था सुलह ए कुल नीति। क्या कहती है सुलह ए कुल नीति, यानी सामने वाले को पहले प्यार से समझा दो कि आपको हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी, अगर सामने वाला प्यार से नहीं मानता है तो फिर उसके ऊपर आक्रमण कर दो। तो अकबर अपनी सुलह एक कुल नीति के तहत उदय सिंह को समझाते हैं कि देखो उदय सिंह जी, आपको हमारी अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी। उदय सिंह ने मना कर दिया कि मैं तो आपकी अधीनता आज स्वीकार करूँ न कल करूँ। तो बताओ अकबर की सुलह एक कुल नीति क्या कहती है, समझाया, अगर सामने वाला नहीं माना तो उसके ऊपर क्या कर दिया जाए, आक्रमण।
तो इस बात का पता लगता है, बताओ किनको, उदय सिंह जी को, हम कि अकबर आक्रमण करने वाले हैं। तो ये जो उदय सिंह है, ये बताओ कहाँ चले जाते हैं, तो ये गोगुंदा की पहाड़ियों पर जो पड़ती है उदयपुर में, यहाँ आ जाते हैं कौन, उदय सिंह। अब चित्तौड़ की रक्षा करने की जिम्मेदारी उदय सिंह के दो प्रमुख सेनापति थे, एक का नाम बताओ क्या है, जयमल, और दूसरे का फत्ता। तो उदय सिंह जी जो हैं, ये जयमल और फत्ता, इन दोनों के कंधे के ऊपर अब किसकी जिम्मेदारी सौंप कर आ जाते हैं, चित्तौड़ की रक्षा करने की। उधर अकबर आता है, और ये जयमल जो है, जयमल मेड़तिया, इनके भतीजे का नाम बताओ क्या है, कल्लाजी राठौड़ है, यानी कल्लाजी राठौड़ किनके भतीजा है, जयमल मेड़तिया के। जैसे ही अकबर आता है, अकबर की सेना से जयमल, फत्ता, ये दोनों और इनकी सेना डटकर मुकाबला करती है। युद्ध जो है वो चरम शिखर पर था, और अचानक जयमल मेड़तिया के पांव पर अकबर के पास में एक बंदूक थी, और उस बंदूक से अकबर गोली निकालता है और जयमल मेड़तिया के पांव पर लग जाती है। अब अचानक इस प्रकार युद्ध अपनी उच्च शिखर पर है, और जयमल मेड़तिया जो प्रमुख सेनापति है, उनके पैर में गोली लग जाना, इसका मतलब सेना का मनोबल कहीं ना कहीं गिरेगा। तो इसलिए कल्लाजी जो राठौड़ है, उन्होंने अपने चाचा को अपने कंधों पर बिठाया। अब जब कंधों पर बिठाया, क्योंकि जयमल मेड़तिया के पाँव में गोली लग गई है, चल फिर नहीं सकते, तो दो हाथ तो हो गए कल्लाजी राठौड़ के, और दो हाथ हो गए बताओ किनके, जयमल मेड़तिया के। इसलिए कल्लाजी राठौड़ को क्या कहा जाता है, चार हाथ वाले लोक देवता। एक सिर जयमल मेड़तिया का है, एक कल्लाजी राठौड़ का है, तो बताओ कितने सिर वाले लोक देवता हो गए, दो सिर वाले लोक देवता। और कल्लाजी राठौड़ जो है, इनकी पत्नी का नाम बताओ क्या है, कृष्णपदे है। कहते हैं कि जब कल्लाजी राठौड़ वीर गति को प्राप्त हुए, तो लुढ़कते लुढ़कते बताओ कहाँ पहुँच गया था इनका धड़, रुणेला। और इस रुणेला जो उदयपुर में पड़ता है, इस स्थान पर कल्लाजी राठौड़ की जो पत्नी है, पत्नी का नाम है कृष्णपदे, इनके साथ में क्या हो जाती है, सती हो जाती है, और चित्तौड़ की रक्षा करते हुए कल्लाजी राठौड़ क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कल्लाजी की क्या थी, कहानी थी। अब देखो कल्लाजी राठौड़ की अगर अपन से पूछें कि छतरी कहाँ है, तो अभी अपन ने देखा चित्तौड़गढ़ में, और अपन से ये भी पूछ ले कौन से पुल पर बनी हुई है, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है, और वो भैरव पुल पर है। कौन से पुल पर है, भैरव पुल पर है। और चित्तौड़ की रक्षा करते हुए 1568 ईस्वी में ये क्या हो गए थे, वीर गति को प्राप्त हो गए थे। और मैंने अभी आपको बताया कि कल्लाजी राठौड़ की मीराबाई जो है, संत शिरोमणि मीराबाई, इनकी क्या थी, बुआ थी। और कल्लाजी की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है, रुणेला, और ये पड़ता है उदयपुर में। यहाँ कल्लाजी राठौड़ की मंगेतर यानी इनकी पत्नी कृष्णपदे क्या हुई थी, सती हुई थी। और यहाँ मेला बढ़ता है, और मेला बताओ कब बढ़ता है, तो ये रुणेला उदयपुर में कल्लाजी राठौड़ का मेला बढ़ता है, और मेला बढ़ता है आश्विन शुक्ल नवमी के दिन। और क्या होता है इस स्थान पर, कल्लाजी राठौड़ का जहाँ मेला बढ़ता है, और यहाँ तो यहाँ इस स्थान पर क्या होता है कि भूत प्रेत या पागल कुत्ते से काटा हुआ व्यक्ति, या कोई मानसिक रोग से पीड़ित है, और सफ़ेद गोयरे से कोई काटा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का इलाज किया जाता है, बताओ कौन से स्थान पर, तो रुणेला उदयपुर में, जहां कल्लाजी की प्रधान पीठ है। और राजस्थान में कल्लाजी राठौड़ का जो सबसे बड़ा मंदिर है वो है सामलिया गांव, और ये सामलिया गांव जो पड़ता है, बताओ ये कहां है, डूंगरपुर में पड़ता है। ठीक है, तो ये थे हमारे कौन, कल्लाजी राठौड़। तो आशा और उम्मीद करता हूँ कि आपको कल्लाजी राठौड़ जो है वो आसानी से समझ में आ गए होंगे, और मैंने आपको जितना पढ़ाया, अगर आपने उतना भी याद किया, तो जहाँ तक मेरा मानना है कि आपकी परीक्षा में इससे बाहर कुछ जाएगा नहीं। बाकी अपन नेक्स्ट अपनी अगली क्लास में देखेंगे, तब तक आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।